बात करते हैं बिहार की। वहां भी दो सीटों पर उपचुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं और दोनों ही सीटों पर जेडीयू के आगे होने की खबर आ रही है। तारापुर और कुशवेश्वर स्थान सीट पर जेडीयू इस वक्त आगे चल रही है। इन दोनों सीटों पर उपचुनाव के जो नतीजे हैं वो जल्द ही साफ हो जाएंगे, औपचारिक तौर पर भी सामने आ जाएंगे। लेकिन प्रकाश के पास चलते हैं जो मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। प्रकाश, इस वक्त क्या खबर आ रही है, कितना मार्जिन है जिससे जेडीयू आगे चल रही है? देखिए, कुशेश्वर स्थान में तो जीत सुनिश्चित हो चुका है और जेडीयू के खाते में वो सीट आ गई है, यानी कि जेडीयू के पास पहले से वो सीट थी, अब वो सीट उनके पास ही है। सिर्फ औपचारिक ऐलान होना बाकी है, लेकिन ये कंफर्म हो गया है कि वो सीट जेडीयू की है। दूसरी तरफ तारापुर में जो 18 राउंड तक आरजेडी आगे थी और जेडीयू पीछे चल रही थी, अब 19वें राउंड के बाद से लगातार बढ़त बनाए हुए है। 29 राउंड तक ये गिनती होनी है वोटों की, तो ऐसे में देखना होगा कि अब, क्योंकि ये ऐसा लग रहा है जैसे एक सीढ़ी ऊपर फिर एक सीढ़ी नीचे, तो ये बड़ा ही असमंजस की स्थिति कई बार हो जा रही है, ऐसा देखा जा रहा है। पर अभी फिलहाल 19 राउंड के बाद जेडीयू आगे है, तो अगर यही ट्रेंड रहा तो जेडीयू जीत सकती है। प्रकाश, आप इन नतीजों पर नजर बनाए रखिए, तुरंत लौटेंगे जैसे ही औपचारिक घोषणा हो जाएगी। ABP News, आपको रखे आगे।